हमारा यह है कि सत्ता और पूंजी का विकेंद्रीकरण आम आदमी तक यानी देश के प्रत्येक नागरिकों तक होना चाहिए और जो भी देश में उत्पादन का साधन है, रेत खेत हो, गिट्टी मिट्टी बालू पत्थर जंगल पहाड़ कल कारखाना फैक्ट्री रोजगार, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि देश में समान शिक्षा व्यवस्था हो, गरीबों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डलवा कर या उस श्रेणी में लाकर उनको आरक्षण का लाभ दिलाना चाहते हैं। बाबा साहब आरक्षण की व्यवस्था कर गए थे, आपके लिए पूजनीय है वो। एक तरफ आप उन लोगों को भी मान रहे हैं जो कह रहे हैं ये तेली तमोली ये बिंद ये जाके क्या करेंगे उसके अंदर संसद के अंदर, आप उनकी विचारधारा को भी मान रहे हैं। एक तरफ गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन में बोलते हैं कि अगर अछूतों को आपके अधिकार मिलते हैं तो मैं बिल्कुल ऐसी आज़ादी नहीं चाहता हूं, तो आप दो नाव पर कैसे सवार हैं, मुझे पहले ये आप सिद्ध कीजिए। देखिए आपकी विचारधारा अलग अलग लोग कैसे हैं। देखिए भारत देश में हर जाति धर्म वर्ग विचार के लोग रहते हैं और जो भारत का संविधान भी बना है वह समय देश काल की परिस्थिति के हिसाब से संविधान बनाया गया है जिससे इस देश में रहने वाले सभी लोगों का भला हो। आज भारत में तमाम लोग धर्मों को मानने वाले हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, फिर भी बीच में एक रास्ता निकाला जाता है जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके भी काम किया जा सकता है, आपस में सामंजस्य बनाया जा सकता है, तालमेल बनाया जा सकता है। तमाम लोग ऐसे रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है जो लोग अछूतों को अधिकार देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, विरोधी थे, वो लोग आपके आराध्य कैसे हो सकते हैं, उन लोगों को आप कैसे मान सकते हैं। देखिए जिन लोगों को आप देख रहे हैं बैनर पर उसमें जैसे महात्मा गांधी जी का आपने जिक्र किया तो ठीक है, एक मुद्दे पर उनसे हम लोगों की राय नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने भी देश में कुछ काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जैसे उन्होंने सत्य अहिंसा पर जोर दिया, राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, आंदोलन जो 17 जातियां जिनको आप सामान्य वर्ग में जुड़वाना चाहते हैं उनके लिए क्या किया? उनके लिए गांधी जी जी ने नहीं किया लेकिन और लोगों ने किया है, जैसे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में तमाम सामंतिक व्यवस्था का जो प्रतीक थी रियासतें थी उनको समाप्त करने का काम किया है। आप जो राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है वो बताइए, क्या मांगे आपकी? राष्ट्रपति का जो ज्ञापन देंगे उसमें हमारी मांगे, आपकी मांगे? सात सूत्री मांगे हैं। पहली मांग हमारी है केवट बिंद निषाद कश्यप प्रजापति कुमार राजभर मल्लाह मछुआ आदि जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और अनुसूचित जाति का कोटा पूरे देश के पैमाने पर 21% से बढ़ाकर 35% किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो सामाजिक विसंगति है कि इनकी जो उपजातियाँ हैं कहीं SC में हैं, कहीं OBC में हैं, कहीं NT में हैं, कहीं ST में हैं, तो इनमें एक रूपता हो, पूरे देश के पैमाने पर इनको SC में शामिल किया जाए। दूसरा, युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिया जाए। तीसरा, समस्त जो मेहनत कश मजदूर हैं, चाहे संगठित क्षेत्र के मजदूर हों चाहे असंगठित क्षेत्र के, 600 रुपया प्रति दिहाड़ी की दर से उनको मजदूरी दिया जाए। इसके साथ ही साथ भारत में समान शिक्षा व्यवस्था कायम किया जाए, त्वरित शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का बाजारीकरण समाप्त किया जाए, बढ़ रही बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार उत्पीड़न को समाप्त किया जाए। आप शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, कैसे संभव हो पाएगा जबकि जो हमारी सरकारें हैं लगातार 72 वर्षों से गरीब को शिक्षा अभी तक भी फ्री मुहैया नहीं करा पाई है? सरकार कैसे संभव हो पाएगा? सरकार की जिस दिन सही तरीके से दृढ़ इच्छा हो जाएगी, संकल्प शक्ति हो जाएगी, तो यह काम असंभव नहीं है, यह संभव है। सरकार के पास इतना बजट है कि जब वो कई हजार करोड़ रुपए कुंभ में खर्च कर सकती है, मूर्ति में खर्च कर सकती है, तमाम जगह खर्च कर सकती है, तो शिक्षा का भी जिस दिन सरकार बजट बढ़ा देगी ये संभव है। आप कैसे दबाव डालने में सफल रहेंगे मैं पूछ रहा हूँ। स्वभाव सरकार की तो मनसा ही नहीं है, सरकार को छोड़ दो, हमारे आपके समाज के लिए सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। आज तक वीरांगना फुलन देवी को न्याय नहीं मिला है, उनके हत्यारे खुले घूम रहे हैं और फुलन देवी जी की बहन मुन्नी देवी जी उनके साथ में चैनल पर आकर ये कहती है तो मेरा भाई है, इसने फुलन देवी को नहीं मारा है। आज तक उनको न्याय नहीं मिला, वो तो सांसद थी,
हम और आप जैसे गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या रूपरेखा है आपकी? देखिए वीरांगना उलन देवी की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी निषाद वो तमाम मंचों से वो आने वाली थी आज, उन्होंने नहीं आज आने वाली नहीं, उन्होंने तमाम बार हत्याकांड की सीबीआई जांच की बात किया है, यहाँ पर भी आई हैं, कई बार आई हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज तमाम अफवाहें भी फैला दी जाती हैं। तो देखिए हम लोग अन्याय अत्याचार उत्पीड़न शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और जो आपने कहा कि कैसे हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता, ये धारा 370 खत्म हो सकती है, मंदिर पर फैसला आ सकता है, सवर्ण का आरक्षण हो सकता है, तो ये सब वो तो उनकी मंशा है भाई, आप कैसे दबाव में लाओगे उनको? दबाव लोकतंत्र में उनकी मंशा है, उन्होंने एक रात में नोट बंद कर दिया। देखिए आज आज आप अपना काम कैसे कर रहे हो? आज जो है किसी राजा रानी की सरकार नहीं है, देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र है, और जनता जिसको चाहेगी वही सरकार में रहेगा, वही सत्ता में रहेगा। तो कोई तानाशाह सोचे कि ये चीज़ नहीं होने देंगे, जिस दिन जनता जाग जाएगी तो निश्चित रूप से जनता लड़ करके अपना हक ले लेगी, और ऐसे तमाम सत्ता में पहुंचने वाले लोगों को हटा करके ऐसे लोगों को पहुंचा देगी जो कि पहुंचते ही यह काम कर देंगे। तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आप कुछ सरकार को कुछ चेताना चाह रहे हो विधानसभा चुनाव में? भाई सरकार आपका काम नहीं करी तो आप विधानसभा में उनको चेताएंगे ना? विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी मजबूती से लड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।